अयोध्या की दीपावली पिछले कुछ सालों से यूपी के सियासत में खास अहमियत रखती है, लेकिन इस साल की दिवाली और भी खास होने वाली है, क्योंकि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अपने अयोध्या दौरे में पीएम दिवाली से दो दिन पहले ही शुरू होने वाले दीपोत्सव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम का अयोध्या में लोगों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। दिवाली पर अयोध्या के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं, जबकि 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे। वहां वो अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पीएम के अयोध्या दौरे के कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से चुनाव के लिहाज से अयोध्या अहम हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या यूपी की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन को यहीं से शुरू किया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से ही मिशन 2022 का आगाज कर दिया। राजा भैया ने भी अयोध्या से शुरुआत की और बीजेपी भी 11 सितंबर से अयोध्या से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बना दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पीएम के एक के बाद एक दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी पर पीएम के दौरे का सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनने के पहले कहा था, रोजगार देने की बात की थी, किसानों की आय 2021 तक दोगुनी करने की बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने 2020 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, गुंडाराज समाप्त करने की बात की थी, महिला दुराचार समाप्त करने की बात की थी। बेहतर होता दीपोत्सव मनाते, भगवान राम का नाम लेते, कहते भगवान राम का नाम लेकर हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बेहतर होता प्रधानमंत्री जी कहते भगवान राम का नाम लेकर हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, नौकरियां दे दी, तब बेहतर होता। तो मुझे लगता है आदमी जब कुछ कर नहीं पाता है तो भगवान के शरण में जाता है अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए, अपनी नाकामयाबी का प्रायश्चित करने के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार भगवान की शरण में प्रायश्चित करने जाते हैं, भगवान से क्षमा याचना करने जाते हैं कि उन्होंने प्रदेश और देश की जनता के साथ जो वादे किए थे उस वादे को पूरा नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गाँव में, न गरीब के बीच। तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती। पीएम के अयोध्या दौरे पर विरोधी पार्टियों के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और पीएम के दौरे को महज एक धार्मिक दौरा बताया है और दावा किया है कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम करती है। बाकी सब देखिए, सपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं, हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। विपक्ष के पास तो तुष्टिकरण और अनर्गल आरोप के सिवा कुछ है नहीं, और मुझे लगता है ये वही विपक्ष है जो चाहता ही नहीं था कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कभी राम मंदिर बने, क्योंकि इसमें चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या बहुजन हो, या ये ओवैसी साहब आए, ये भी सब के सब यही इसी पे लगे हुए थे। आज भी इसी बात की सबको कहीं ना कहीं कहना चाहिए तकलीफ है कि कैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम के दौरे पर जारी सियासत के बीच यूपी सरकार दीपोत्सव को पहले से ही खास बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बार दीपोत्सव को 3 दिन की बजाय 7 से 10 दिन तक मना सकती है, साथ ही 7.5 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी करेगी। पिछले साल भी यूपी सरकार ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया था। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद मार्च 2017 में दीपोत्सव की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें सरयू नदी के घाट को हर साल लाखों दीपों से सजाया जाता है।